रेवाड़ी विधानसभा के गांव शहबाजपुर में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अब देश की जनता कांग्रेसियों की हकीकत जान चुकी है। कांग्रेस मैनिफेस्टो ने नाम के नाम पर झूठे वायदे और संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आ रहे पंजाब के सीएम भगवत मान और केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल की हकीकत और भगवत मान का चरित्र लोग जानते हैं, उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता में आने से पहले कहते थे कि कोठी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब ये इनके बंगलों की मरम्मत भी 200 करोड़ रुपए में होती है। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। रेवाड़ी की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। आवाज में जोर से बोलो, मिजाज के बारे में बता दो। जनता का मिजाज खुश मिजाज है और लोग आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाने के लिए आतुर हैं। लोगों का जोश और उत्साह देख के चाहते हैं। जनता का परिवर्तन का मूड है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो है भाजपा का, भाजपा कॉपी पेस्ट करके रह गई है, कांग्रेस का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देखिए कांग्रेस क्या कहती है, हम उसके लिए सीरियस कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उनसे पहले उनके मैनिफेस्टो आते रहे हैं, उनके झूठे वादे होते रहे हैं। कभी कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, कभी कहते हैं आरक्षण हम क्या नाम है खत्म नहीं होने देंगे। अब अमेरिका में बैठ के कहते हैं हम आरक्षण को खत्म करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये ज्यादा कोई कांग्रेस के उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का एक चलन बढ़ता जा रहा है हमारे हिंदुस्तान का। 2000 रुपए भाजपा ने कहा, 2000 रुपए कांग्रेस ने कहा, फिर महिलाओं को हर महीने पेंशन डबल कर देंगे। अब ये पैसा आएगा कहां से? इस पैसे की व्यवस्था जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी उसको हमने रोका है। वो पैसा बचता है, वो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक में जाएगा। विधायक जी, केजरीवाल रेवाड़ी आ रहे हैं, दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के प्रचार में आ रहे हैं, भाजपा के लिए कौन आ रहा है? भाजपा के लिए भी आने वाले इनके लेते हैं, उसके बाद फिर भाजपा का ही बारी है, भाजपा के ही नेता आएंगे रेवाड़ी में। और केजरीवाल के आने से कितना असर पड़ेगा? केजरीवाल का पर्दाफाश हो लिया है, केजरीवाल को देश जान चुका है। केजरीवाल कहीं भी जाएं उनका बस, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि गिरगिट भी शर्मा जाती है। कोई केजरीवाल है, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। पर वो सुविधाएं तो ली कोई बात नहीं, लेकिन उनके तो 200 करोड़ रुपए में बंगले की रिपेयर होती थी, तो सब भूल गया। एक प्रत्याशी झाड़ू से सफाई करने की बात कर रहे हैं, क्या क्या मतलब? देखिए झाड़ू से सफाई तो हम भी करते हैं। मोदी जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाया था, इस भ्रष्टाचार पे झाड़ू चलाया था, गंदगी के ऊपर झाड़ू चलाया था, और लोगों में जो इस तरह का अविश्वास आ रहा था उसके ऊपर मोदी जी ने झाड़ू चलाया था। और हम तो सदा झाड़ू चलाते ही रहे हैं, लेकिन वो जब ही तो केजरीवाल चालाक है ना, इसलिए उसने झाड़ू ले लिया। कल भगवत मान भी आ रहे हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। भगवत मान का करेक्टर भी लोग जानते हैं क्या, ये मेरे कहने की बात नहीं, मैं किसी के इंडिविजुअल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला रेवाड़ी में नहीं है। राजनाथ सिंह जी के आने की चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह जी के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए राजनाथ सिंह जी के आने की चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? मैं बताया ना, पहले इनको आ लेने तो फिर हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे। वो रेवाड़ी की जनता जानती है, मुंह देख के टीका होता था, रिश्तेदारों का भला होता था, और अपने लिए जो जनता की दी हुई ताकत थी उसके अपने लिए खर्च करता था। हम पहले आदमी हैं, हमारी पार्टी पहली है जो जनता की दी हुई चीज, जनता की दी हुई ताकत अपने निजी स्वार्थों में कभी खर्च नहीं करी, जनता के लिए खर्च करी। लक्ष्मण जी के लिए चुनौतियां कितनी? देखिए जीत तो जनता जनार्दन ने करनी है, और मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, और आप देख भी रहे होंगे जनता में कितना जोश और उत्साह है। मैं, मेरे लिए तो एक ही चुनौती है, अब ये जो पैसे वाले अपना तांडव लास्ट में दिखाएंगे, बस उसके सिवा और कोई चुनौती नहीं है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है
माल भी खाएगी और वोट भी भाजपा को देगी।